हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और आप पीरियड्स के पेन के कारण आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं? तो क्या आपने सोचा है कि ये कोई एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसका आपको पता कैसे चलेगा कि एंडोमेट्रियोसिस है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस एक तरीके की गायनेकोलॉजिकल बीमारी है जो पेल्विस और पेल्विस के बाहर के हिस्सों में हो सकती है। ये महीने से रिलेटेड है, इसको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोला जाता है। बहुत सी लेडीज़ में ये देखा जाता है, लेकिन जनरली 10 में से एक लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस होता है। इसका मुख्य कारण जो है महीना आना है, यानी कि जब भी किसी लेडीज़ को महीना आता है तो महीना आने के कारण जो ब्लड बच्चेदानी की जो नलियां होती हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती है, उनसे भी बाहर निकलकर पेट के अंदर पहुंच जाता है और किसी कारणवश वो क्लियर नहीं हो पाता। यानी कि एक बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिससे कि जो भी ब्लड क्लॉट्स अंदर जमा हो गए उनको क्लीन कर दिया जाता है, बट इम्यूनिटी के कारण या किसी और डिसऑर्डर के चलते ये क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है और ये जो महीने का खून है वो थक्के बनकर, क्लॉट बनकर आंतों में, बच्चेदानी में, ट्यूब्स पे, अंडेदानी पे और आसपास के एरिया पे चिपक जाता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपस में भी चिपक जाती हैं और एक तरीके का गांठ या मास बना लेती हैं और आगे चलकर ओवरीज के अंदर ये चॉकलेट सिस्ट बना लेती हैं, ट्यूब्स के अंदर हेमेटोसाल्पिंग्स बना लेती हैं, आंतों के अंदर ही नोड्यूल बना लेती हैं और ये सब चिपक कर जब आपस में बहुत ज़्यादा फंस जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पेन करने लगती हैं और ये ही जो गांठ और मांस है वो नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है और ये पेन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसीलिए एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। एंडोमेट्रियोसिस का मोटा कारण तो आपने समझ लिया कि महीने आने के कारण है, लेकिन ये सभी महिलाओं में नहीं होता है, 10 में से एक महिला के अंदर होता है। इसीलिए इसका कारण एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों 10 में से 9 महिलाओं को नहीं होता और एक महिला को होता है। ये इम्यूनिटी बोल सकते हैं, क्लियरिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं या जेनेटिक बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट कारण इसका नहीं पता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है? तो जनरली जो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है या मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है वो मेंस्ट्रुअल पेन है, यानी कि महीने के दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना। जनरली थोड़ा बहुत दर्द सबको होता है जो कि आराम से टॉलरेबल होता है और कभी कभार मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, लेकिन यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, मेडिसिन लेने के बाद भी आराम नहीं पड़ता, किसी किसी का गोलियों से आराम पड़ जाता और कुछ लेडीज़ तो ऐसी होती है जिनको इंजेक्शन्स लगाने के बाद भी आराम नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करके अगर कोई डायग्नोसिस देते हैं वो ही फाइनल माना जाना चाहिए, अपने आप से कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं बनाना चाहिए। अब ये कैसे कंफर्म होगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है? आपको सिम्टम्स आपको लगते हैं कि महीने के अंदर पेन है, तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो। तो जब भी आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी के आधार पर ही इसका डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। कई बार शुरुआती अवस्था में सोनोग्राफी में भी नहीं पता चल पाता, तो ऐसी स्थिति में कई बार MRI की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है और नहीं तो लास्ट में जाके हमें दूरबीन की एक जांच करनी पड़ती है जिससे भी जाके ये पता चल पाता है। 99% केसेस में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से ही हमें पता चल जाता है कि अंदरूनी क्या बीमारी चल रही है। तो यदि अब आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस होता है तो उसके कुछ इलाज भी संभव है। ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन यदि एंडोमेट्रियोसिस का इलाज समय पर नहीं किया जाता है तो आगे चलकर बहुत सारी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती है, जैसे कि आपको बच्चा नहीं लगने की समस्या हो सकती है, आंतों के अंदर ट्यूमर बढ़ सकता है जिससे कि आंतों का हिस्सा काट के निकालना पड़ सकता है, अंडेदानी के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में गांठ बन सकती है, इसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, तो अंडेदानी काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है, ट्यूब्स के अंदर ब्लड जमा हो जाता है जिसकी वजह से ट्यूब्स भी डैमेज हो जाती है और आगे चलकर बांझपन हो सकता है या इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ आगे चलकर क्रिएट हो जाती हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है उसका तुरंत आपको इलाज करवाना चाहिए। इलाज के अंदर कुछ गोलियां दी जाती है, कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। अब आपकी बीमारी किस लेवल की है उसी के हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन के डेरिवेटिव्स उसमें मेडिसिन के तौर पर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन ही इसका एक इलाज है। इसीलिए जनरली ये भी कहा जाता है कि यदि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस का काफ़ी हद तक इलाज होता है, लेकिन बहुत ही
बदकिस्मती की बात है कि एंडोमेट्रियोसिस जब किसी को होता है तो प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, इसलिए प्रेगनेंसीज का इलाज है, बट एंडोमेट्रियोसिस के चलते प्रेगनेंसी होने में काफ़ी हद तक दिक्कतें होने के कारण इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमें मेडिसिन और इंजेक्शन्स पे ही भरोसा करना पड़ता है और इसकी रेगुलर मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तक मेंसेस आते रहेंगे जब तक ये बीमारी बनती रहेगी, यानी कि एक बार का इलाज सफिशेंट नहीं होता है, ये बार बार बनती रहती है बीमारी, इसीलिए इसमें लगातार दवाइयाँ चलती है। और यदि बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो जो गांठ है या थक्के हैं तो उनको दूरबीन डालकर निकाला जाता है, जिसे कि ऑपरेशन कहा जाता है। इसके अंदर यदि ओवरी के अंदर चॉकलेट सिस्ट है तो उसके सिस्ट को निकाला जाता है। आंतों के अंदर यदि कोई गांठ बन गई है या कोई ट्यूमर जमा हो गया है तो उसका आंतों का वो हिस्सा काट कर निकाला जाता है। यूट्रस के अंदर अगर क्लॉट्स जमा हो गए तो यूट्रस के अंदर से उन क्लॉट्स को निकाला जाता है और यूट्रस को वापस रिपेयर किया जाता है। ये सारी सर्जरी दूरबीन से संभव है। इन सब के लिए पेट खोलने की या चेरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सक्सेसफुल होती है, बहुत आराम से हो जाती है, 1 से 2 दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, पेन भी नहीं होता है और आपको बीमारी से मुक्ति भी मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि यदि आपके महीने के अंदर दर्द होता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, और ये सोचिए कि अगर ये एंडोमेट्रियोसिस हुआ और ये बीमारी बढ़ जाती है तो आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलकर एक बार अपना डायग्नोसिस, एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवा लीजिए, ताकि आपकी बीमारी का सही डायग्नोसिस बन पाए, और जब तक सही डायग्नोसिस नहीं बनेगा तब तक सही इलाज भी संभव नहीं है। यदि आपके एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड और कोई सवाल है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकती हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।